हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चिता। वेलकम टू अर्चिता टेबल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब। तो चिकन कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम चिकन, देन इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देन हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून कर्ड, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून करियंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चॉपस्टिक में हम चिकन को डाल देंगे। ऐसे ही करके हम सारे चिकन को चॉपस्टिक में डाल देंगे। देन हम एक तवे में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हमें चिकन को इसमें डाल देंगे। फाइव मिनट के बाद हम इसे दूसरी साइड में कर लेंगे। ऐसे ही हमें इसको 10 से 12 मिनट तक हमें इसे पकाना है। अब हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गैस में चिकन को पकाएंगे थोड़ा। इसे 2 से 3 मिनट तक हम गैस के ऊपर इसे हम दिखाएंगे। ऐसे ही करके हम सारे चिकन को इसे हम पका लेंगे। तो अब हमारी रेडी हो चुकी है चिकन कबाब। तो इसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा मेल्टेड बटर डाल देंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।